हेलो, तो आ गए आप। कैसे हो? स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं जीके क्विज नंबर 96। सभी क्वेश्चन पीछे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, चलिए देखते हैं आपका क्या स्कोर आता है। पहला क्वेश्चन, इटली की राजधानी क्या है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन बी, रोम। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था CHSL 22 जनवरी 2017। नेक्स्ट, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहां स्थित है? ऑप्शन सी, रावतभाटा। दोस्तों राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र रावतभाटा में स्थित है और यह वर्ष 1973 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। नेक्स्ट, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन सी, अरावली। देखिए माउंट आबू नामक पर्वत स्थल अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जिसका विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान में है। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, यह एक पर्यटक स्थल है। नेक्स्ट, वर्ष 2007 में किस स्मारक को विश्व के नए 7 आश्चर्यों में से एक को विजेता घोषित किया गया था? ऑप्शन ए, ताजमहल। देखिए जुलाई 2007 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड स्थित न्यू सेवन वर्ल्ड फाउंडेशन ने वर्ष 2000 और 2007 के मध्य वोटिंग द्वारा 200 स्मारकों में से 7 स्मारकों को विश्व के आश्चर्यों की सूची में सम्मिलित किया था, जिस सूची में पहले नंबर पर आया था द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की दीवार, और अपना ताजमहल आया था 6 नंबर पर। नेक्स्ट, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। देखिए प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, जिसे सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजुमदार ने लिखा है। नेक्स्ट, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन बी, पंजाबी। देखिए पंजाब के लोक नृत्यों में भांगड़ा के साथ साथ गिद्दा और धमाल भी है, तो मचाइए धमाल। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया स्कीम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व स्त्रियों में उद्यमिता के प्रोत्साहन से। देखिए 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री ने बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा रोजगार सृजन करना था। इस योजना के तहत 10 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? ऑप्शन बी, 2012 से 2017। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 2012 से 17 था, जिसका मूल वाक्य है तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय। दोस्तों जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन हाल ही में पूछे गए हैं एग्जामों में, और आप इसे अपना एक रियल टेस्ट समझकर सॉल्व कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी जीके की तैयारी कैसी चल रही है। नेक्स्ट, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, मैग्मा। देखिए ज्वालामुखी के उद्गम के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, और जब मैग्मा धरातल पर निष्कर्षित होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। यह बहुत गर्म होता है, ताजा निष्कर्षित लावा का तापमान लगभग 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। धरातल पर लावा ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टानों का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज, गोभी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में आता है? इसका सही जवाब दीजिए फटाफट, ऑप्शन मिल रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब देता है।
नेक्स्ट, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन बी देहरादून। देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि या भगवान की भूमि भी कहा जाता है। इसे भगवान और तीर्थ यात्रा के लिए सबसे पवित्र और अनुकूल स्थान माना जाता है। वर्ष 2007 में इस राज्य का नाम आधिकारिक रूप से उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन डी प्रतिनिधियों का। देखिए, लोकतंत्र में लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था से। लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का राज्य। इस प्रकार लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों द्वारा संपूर्ण जनता के हितों को दृष्टि में रखकर शासन करती है। नेक्स्ट, अडोल्फ हिटलर किस देश से था? ऑप्शन बी जर्मनी। अडोल्फ हिटलर जर्मन तानाशाह था। उसने जर्मनी पर 1933 से 1945 तक शासन किया। उनकी मृत्यु आत्महत्या के कारण 30 अप्रैल 1945 को हुई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? ऑप्शन ए वर्धा। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि वर्धा को सुनिश्चित किया गया था। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? ऑप्शन बी मेकाले। देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी में मेकाले के स्मरण पत्र से पड़ी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मेकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। भारत में आधिकारिक रूप से अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ मेकाले के प्रस्ताव पर किया गया था, लेकिन इसका क्रियान्वयन बेंटिक के समय में किया गया। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। देखिए, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था। नेक्स्ट, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? ऑप्शन ए अहमदनगर। देखिए, चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी जिनका विवाह बीजापुर के 5वें सुल्तान अली आलिद शाह से हुआ था, लेकिन अपने पति की मृत्यु हो जाने के कारण चांद बीबी वापिस अहमदनगर आ गई और वहां की शासिका बनी और 1593 में इनकी मुठभेड़ हुई मुगलों से और मुगलों के साथ चांद बीबी बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ी थी। नेक्स्ट, चांदी का सिक्का यानी कि टका किसने चलाया था? ऑप्शन बी इल्तुतमिश। सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं हैं जीतल और टका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उनका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है क्योंकि उसी ने दो प्रमुख सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किए थे। नेक्स्ट, सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में किसको हराया था? ऑप्शन ए पोरस। देखिए, हाइडेस्पीज का युद्ध अथवा झेलम का युद्ध दोनों एक ही हैं। ये युद्ध लड़ा गया था 326 में सिकंदर और भारतीय शासक पोरस के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पिछली क्विज में पूछे गए सवाल की। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था किस देश ने 2016 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज। लगभग 95% कैंडिडेट सही जवाब दे रहे थे, कुछ कैंडिडेट इसका गलत जवाब दे रहे थे। अब हम अनाउंस करेंगे फर्स्ट 3 कैंडिडेट का नाम जिन्होंने इसका सही जवाब सबसे पहले दिया। भाइयों बहनों, पहले 3 कैंडिडेट हैं दिनू प्रजापति जी, सोपाल कुमार जी
और प्रदीप राजपूत जी, भाइयों बहनों इनका लिया जोरदार ताली। दोस्तों आप सभी की परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छी है, और इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव हो, कोई भी विचार हो तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।